करेंगे, भारत जोड़ो पैदल यात्रा भी निकालेंगे, 25 किलोमीटर हो चलेगा। दरअसल ये पश्चाताप यात्रा होगी उनकी मध्य प्रदेश में, और मेरा तो आग्रह है कि वो मध्य प्रदेश में एक छल करके गए थे किसानों के साथ में कि 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ कर देंगे, नहीं कर पाए तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। इस बात को उन्हें बताना चाहिए कि 10 दिन तो ठीक है, 15 महीने में क्यों नहीं 2 लाख किसी किसान का हो पाया। अगर हो पाया हो तो अपनी पदयात्रा में उसे साथ रखें। उनकी पार्टी ने, उनके अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने जो घोषणा पत्र जारी किया, दृष्टि पत्र जारी किया, उसमें 4,000 रुपया में नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने का घोषणा की गई थी लिखित में। माननीय राहुल गांधी जी बताएं कि वो 4,000 में से किसी एक भी मध्य प्रदेश के नौजवान को मिल पाया क्या? उन्होंने रोजगार देने का वादा किया था, बेरोजगारी भत्ता तो अलग बात है, एक भी वैकेंसी उस 15 महीने में मध्य प्रदेश के अंदर निकाली क्या? ये बहुत सारे सवाल उस पदयात्रा के साथ हैं। वो 16 दिन तक रहेंगे, अच्छी बात है, स्वागत है, पर 16 दिन क्या पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष साथ चलेंगे? क्या वो 16 घंटे साथ चलेंगे? ये भी एक लोग जिज्ञासा भरी दृष्टि से देख रहे हैं। धार में जो डैम में दरार आई है उस पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। आज जो डॉक्टर गोविंद सिंह भी जाएंगे वहां पर समिति भी बनाई है, आज वो खुद भी जाएंगे। जो नहर का काम था वो रात में पूर्ण करके वहां का पानी चालू कर दिया है। अभी जो तकनीकी टीम है विशेषज्ञों की, वो तय करके उस पानी के और बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। कंट्रोल डिस्चार्ज प्रारंभ हो गया है। हमने जो 12 गांव धार के और 6 गांव खरगोन के इससे प्रभावित थे वो सभी खाली हो गए और सभी सुरक्षित स्थान पर हैं। मौके पर आईजी, कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारी मौजूद हैं, तकनीकी विशेषज्ञ, इंजीनियर सभी मौजूद हैं, एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम, आर्मी, जिला पुलिस बल सभी वहां पर तैनात है। स्थिति अभी वर्तमान में पूरी तरह से नियंत्रण में है। राजस्थान में एक दलित जो बालक है उसकी गुस्सा है लोगों में, और आज और कल 2 दिन खासतौर पर रैलियां हो रही हैं, सर इसमें कांग्रेस भी शामिल हो रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कि आह्वान पर है, देश खड़ा होता है, ये अकेला तिरंगा अभियान से न जोड़ो। आजादी के बाद एक ऐसा नेतृत्व तो देश को मिला है जिसमें सर्वहारा वर्ग को, हर व्यक्ति को विश्वास है। उसने कहा ताली बजाओ तो लोगों ने थालियां तोड़ ली, बर्तन तोड़ लिए। उन्होंने कहा दीपक जलाएं लॉकडाउन के पीरियड में तो लोगों ने दिवाली मना ली। उन्होंने लॉकडाउन किया तो देश भर के चक्के जाम हो गए। आज उन्होंने तिरंगा फहराने की अपील की तो आप देखिए देश का हर नागरिक, आजादी के वक्त भी इतने झंडे नहीं फहरे होंगे, हर मकान पर, हर दुकान पर, हर मोबाइल पर, हर डीपी पर आपको तिरंगा मिलेगा। आजादी, आजाद भारत में ऐसा तिरंगा लहराएगा ये किसी को कल्पना नहीं थी। आज राष्ट्रभक्ति के भाव से आम नागरिक ओत-पोत है। ये भाव जो आम आवाम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पैदा किया है, अनुकरणीय और दर्शनीय भी है। कांग्रेस में सभी 52 जिलों में प्रभारी नियुक्त करने हुआ तो विधायकों को संगठन के काम से मुक्त किया जा रहा है। वो वैसे ही काम नहीं करते थे, ये प्रभारी कर देंगे वो भी नहीं करेंगे। उनकी जितनी भी घोषणाएं होती हैं एक दिन की ही होती हैं। आप सीरी देख लो, 4 दिन पहले उनने वो पदयात्रा प्रारंभ की थी जनजाति भाइयों के लिए, 4 घंटे ही नहीं चली, और कही थी लगातार चलेगी, इतने दिन चलेगी, इतने महीने चलेगी। तो ये स्थितियां कांग्रेस की है, ये कागजी है, ये टीवी पे है, ये ट्विटर पे है, ये पेपर पे है, बस
कश्मीर में जो पंडितों का नरसंहार किया था कश्मीरी पंडितों का, तो बिट्टा कराटे की पत्नी सहित चार लोगों को बर्खास्त कर लिया नौकरी से सरकार ने। देखिए जो भाव जिनके मन में देश के प्रति स्वदेश के प्रति अगर कोई लगाव नहीं है, अगर भाव नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों को तो बर्खास्त हो जाने में ही ठीक रहता है, क्योंकि जो देश के टुकड़े करने की सोचते हो, टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हो, जो घृणा फैलाने का काम करते हो, जो समाज विरोधी काम करते हो, उनसे प्रशासन को सख्ती से निपटना चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है।